हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल। दिस इज काजल सिंह। आज हम अपने वोकैबुलरी का पार्ट 23 डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हीड। हीड की मीनिंग होती है ध्यान देना। इसे याद रखने के लिए आपको हीड को रिलेट करना है हेड से। तो ट्रिक है कि हम अपने हेड ऑफिसर की बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे भी जो हेड होते हैं वो हमारे हर मूवमेंट को नोटिस करते हैं, हम पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ड याद हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हैं अटेंशन एंड नोटिस। इसके यूज़ हैं व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग यू सिंपली नीड टू हीड योर इनर वॉइस एंड लेट इट गाइड यू। हमारा सेकेंड वर्ड है पवेसिव। पवेसिव की मीनिंग होती है व्यापक। अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ें तो कुछ ऐसा साउंड करेगा परवेसिव। तो आपको इससे रिलेट करना है पर्व शिव जी का। परवेसिव पर्व शिव जी का। पर्व शिव जी का सब जगह व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं वास्ट एंड एक्सटेंसिव। यूज है इसके इन मेनी सिटीज पुलिस करप्शन इज अ परवेसिव इशू। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं इम्पीड। इम्पीड की मीनिंग होती है डिले। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लॉक एंड प्रिवेंट। अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ें तो कुछ ऐसा साउंड करेगा इम्पेड। इसमें पेड़े वर्ड आ रहा है, पेड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि स्वीट है। तो आप इसे वहाँ से भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ होती है और आपको मीठे से दूर रहना है, लेकिन ऐसे टाइम पे जो पेड़ा है वो आपको आपकी डाइट फॉलो करने से रोकता है, बीच में बाधा बनता है। या फिर आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ें नॉर्मली तो इम्पेड और जो इम्पेडेंस होता है इम्पेडेंस की मीनिंग होती है प्रतिबाधा। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके यूज़ है सी इज इम्पेडिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ वर्ड की। हमारा फोर्थ वर्ड है पोसिटी। पोसिटी की मीनिंग होती है कमी। इसके सिनोनिम्स हैं लैक एंड स्कार्सिटी। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, तो नॉर्मल है, आप इसे आराम से पढ़िए तो कुछ ऐसा साउंड करेगा पाव सिटी। तो हम इसे याद करेंगे कि पाव बेचने वालों की हमारे सिटी में कमी है। पाव सिटी, पाव बेचने वालों की हमारे सिटी में कमी है, तो ये याद हो जाएगा। इसके यूसेज देख लेते हैं। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट विद सच अ पाव सिटी ऑफ टूल्स। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है एवर्जन। एवर्जन की मीनिंग होती है पसंद ना करना, घृणा करना। इसके सिनोनिम्स हैं एंटीपैथी एंड डिसलाइक। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक बहुत ही इजी है। बस आपको इसको रिलेट करना है एवर्जन ए प्लस वर्जन। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें सेम वर्जन बार बार, जो ऐप है बार बार उसके वर्जन को हम लोग को अपडेट करना पड़ता है, तो बहुत ही गुस्सा आता है, हम बिल्कुल पसंद नहीं है। यू हेट अपडेटिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम सॉफ्टवेयर अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से आपको वर्ड याद हो जाएगा। इसके यूसेज देखते हैं। ओल्डर पीपल हु आर इनफैमिलियर विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफन हैव एन एवर्जन टू इट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पांचों वर्ड्स, उन्हें याद करने की ट्रिक्स। होप सो आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।